हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षय और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे फोटोशॉप में पोस्टर डिज़ाइन करते हैं। सिंपल एंड कूल पोस्टर डिज़ाइन करके हम देखेंगे इसमें कि, और यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे क्या कैसे हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फाइल न्यू क्रिएट करनी है और इसका जो डायमेंशन रहेगा 1080, हम इसको 1080 1080 में जो स्क्वायर में हम इसको बनाएंगे और यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। और हम इसका जो बैकग्राउंड है हम इसको प्योर वाइट रखने वाले हैं और हम यहाँ पे जूम करेंगे। जूम करने के लिए हम सिंपल जो शॉर्टकट प्रेस करते हैं Ctrl+0, हम इसको Ctrl+0 प्रेस करेंगे तो कैनवास जो हमारा वो बिल्कुल फिट हो जाएगा। और हमारा जो सेकेंड स्टेप है, हमें यहाँ पे इलिप्स टूल को यूज़ करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ सेंटर पे क्लिक कर देंगे कहीं पे भी। और हमें जितना भी इसमें डायमेंशन देना, आप यहाँ पे विड्थ एंड हाइट का जो वैल्यू है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको सेंटर से ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे जो फॉर्म सेंटर यहाँ पे जो है यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। तो हम इसको क्लिक कर देते हैं 100 एंड 100 के स्क्वायर में और यहीं पे हम इसको ड्रैग करेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इतना आई थिंक बेटर रहेगा, ये बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे डन के लिए हम दो चीज़ें करते हैं, या तो आप माउस से जा करके वहाँ पे सिंपल क्लिक कर देंगे, अगर आप इंटर भी प्रेस करेंगे तो वो सेम वर्क करेगा। और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हमें जो कलर ऐड करना है वो हम ग्रेडियंट ऐड करेंगे। और यहाँ पे जो ग्रेडियंट हम यूज करेंगे, यहाँ पे बेसिक वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, बेसिक जो है, और यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट यूज करना है। और हमें जो यहाँ पे हमारा जो कलर है, इसका जो कलर कोड रहेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। कलर कोड हमारा रहेगा DECFD2, ये हम रखने वाले हैं। इसको हम ओके करेंगे और फिर हम यहाँ पे एक इमेज को इंपोर्ट करेंगे। ये देखिए हमारा जो प्रोडक्ट का इमेज है यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसको, और यहाँ पे हम इसको अलाइन कर देंगे, थोड़ा सा इसको और स्केल करेंगे, तो ये परफेक्ट फिट हो गया है। हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे। अब हम इसमें जो है टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट को यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है। और यहाँ पे इसको हम कॉपी करेंगे 1 बाय 1। यहाँ पे जो है ऑल न्यू का हम इसको सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे आएंगे हम फोटोशॉप में और यहाँ पे हम टेक्स्ट टूल खोलेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। और हम जो इसका और सेंटर को अलाइन करेंगे यहाँ पे, तो और हमें जो टेक्स्ट का साइज लेना है इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। हम यहाँ पे इसको 10 रखते हैं, 10 रख लेते हैं, आई थिंक ये बेटर लग रहा है, 10 रखेंगे। और हम जो यहाँ पे सेकंड वाला टेक्स्ट लेंगे एयरपोर्ट्स प्रो, इसको भी हम कॉपी करेंगे सेम स्टेप से और यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेंगे, यहाँ पे क्लिक करके हम पेस्ट कर देंगे। और हमारा जो फॉन्ट का साइज है और हम जो फॉन्ट यूज़ करने वाले हैं वो सब मैं बता रहा हूँ। यहाँ जो फॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ ये हमारा फॉन्ट है पॉपिंस, और इसका जो टाइप है यहाँ पे रेगुलर हम यूज़ कर रहे हैं। हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और इसको सेंटर से हम अलाइन कर देंगे। और इसमें हम जो है ग्रेडियंट ऐड करने वाले हैं, तो हमें ग्रेडियंट ऐड करने के लिए हम यहाँ जो लेयर स्टाइल ओपन करना पड़ेगा, तो हम सिंपली इस लेयर पे आकर के डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेडियंट ओवरले। हम इसके आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडियंट ऐड हो जाएगा। जो मैंने ग्रेडियंट यूज किया हुआ है, और मैं उसका कलर कोड बता देता हूँ आपको, कलर कोड यहाँ पे दिया हुआ है CDBEF5, ये हम रख लिए हैं।
यहाँ पे हम ओके कर देंगे तो हमारा ग्रेडियंट जो है वो ऐड हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड जनरेशन, हम इसको टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। इसे भी हम सेंटर से अलाइन करेंगे और इसको यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा जो सेकेंड है यहाँ पे फ्रॉम, इसकी प्राइसिंग दी हुई है, हम इसको भी कॉपी करेंगे और इसका हम कॉपी निकालेंगे। तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस जे कॉपी निकालने के लिए, हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो टेक्स्ट को हम पेस्ट कर देंगे और हम थोड़ा सा डाउन करेंगे इसको, तो शिफ्ट के साथ में हम डाउन बटन प्रेस करेंगे और यहाँ हम इसको सेंटर से अलाइन कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे फॉन्ट को, और हमारा ये फाइनल डिजाइन है। तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और डिजाइन कैसा लगा। अगर आपका कोई सजेशन हो तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।